दोस्तों, बोइंग का नया स्टार लाइनर अंतरिक्षयान 6 दिन पहले ही धरती पर लौट आया है। नासा ने इस बात की पुष्टि की है। घड़ी में समस्या आने की वजह से यह अंतरिक्षयान पूर्व नियोजित ढंग से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर नहीं उतर सका। मानव रहित स्टार लाइनर अंतरिक्षयान न्यू मेक्सिको की व्हाइट सैंड मिसाइल रेंज में स्थानीय समय अनुसार रविवार 5:47 पर उतरा। बोइंग के इंजीनियरों ने प्रशांत महासागर के ऊपर उतरने के लिए इसकी प्रोग्रामिंग की थी। पैराशूट ने उतरने की गति को धीमा किया और रेगिस्तान में इसकी लैंडिंग को आरामदेह बनाने के लिए विशाल एयरबैग लगाया गया था। स्टारलाइनर के इस अंतरिक्षयान को शुक्रवार को फ्लोरिडा के केप कैनवल से प्रक्षेपित किया गया था, लेकिन अपने एटलस वी प्रक्षेपण रॉकेट से अलग होने के कुछ देर बाद इसके लॉन्चर्स योजना के मुताबिक सक्रिय नहीं हो पाए, जिससे वह ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के लिए ऊंची कक्षा में नहीं जा पाया। नासा के साइंटिस्ट जिम ब्रिडस्टी ने कहा है कि ये मिशन पूरी तरह से असफल नहीं है। उन्होंने कहा कि नासा और बोइंग की टीम मिलकर विभिन्न लक्ष्यों पर परीक्षण कर रही है। जितना हम कर सकते हैं उतना हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि स्टार लाइनर ISS के संचार संपर्क स्थापित करने में कामयाब हुआ और अंतरिक्ष में स्थापित होने का परीक्षण किया। इसके अलावा सौर पैनल, बैटरी, प्रक्षेपक और ऊष्मा नियामक प्रणाली का परीक्षण भी किया गया। उन्होंने कहा कि यान बेहतर अवस्था में है। साथ ही उन्होंने बताया कि स्टार लाइनर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से संचार तो करने में कामयाब रहा, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इससे बोइंग को एक बड़ा झटका लगा है। स्टार लाइनर की ये विफलता बोइंग के लिए एक झटका है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि वो पहले से अपने 737 मैक्स विमानों के 2 घातक हादसों से अभी तक उभर नहीं पाया है। यहाँ से अक्टूबर 2018 में इंडोनेशिया और मार्च 2019 में इथोपिया में हुए थे, जिसमें करीबन 346 लोगों की मौत हुई थी। स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी जनवरी में इन विमानों का निर्माण करना बंद करने की योजना बना रही है। दोस्तों नासा भले ही इस प्रोजेक्ट को सफल मान रहा है, लेकिन बोइंग को पता है कि प्रोजेक्ट पूरी तरह से उनका फेल हो चुका है और उनका जो ये विमान था यानी कि स्टार लाइनर अंतरिक्षयान, ये पूरी तरह से उच्च ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाया, जिसकी वजह से इसे पहले ही धरती पर लैंड करा दिया गया। दोस्तों आपका क्या कहना है इस बारे में आप जरूर मुझे कॉमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर लाइक करना ना भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।